हेलो एवरीवन दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब दोस्त। यहाँ पर आईटीआई के छात्रों के लिए दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से खुशखबरी लेकर मैं आया हुआ हूँ। जो भी छात्र दोस्तों इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कम्प्लीट डिटेल दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं डीआरडीओ के दोस्तों बारे में, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस। दोस्तों यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट कंपनी दोस्तों यहाँ पर है, ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब होती है आईटी छात्रों के लिए। अगर दोस्तों वहाँ पर एक बार आप चले जाते हैं तो वहाँ पर आपकी लाइफ बिल्कुल सुधर जाती है, संवर जाती है। दोस्तों यहाँ पर पिछले साल यहाँ पर सेप्टेम्बर में वैकेंसी आई थी, यहाँ पर बहुत सारे छात्रों का हुआ था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे छात्रों का सपना अधूरा रह गया था। तो वैसे छात्र जो यहाँ पर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर अपना सपना फिर से साकार करना चाहते हैं, बहुत सारे छात्र यहाँ पर अभी अभी आईटीआई पास करके लेटेस्ट अपियरिंग में होंगे या फिर जिन लोगों ने पास कर लिया होगा या फिर पास करने वाले होंगे, उनके लिए गुड न्यूज़ है दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल वीडियो बने रहिएगा दोस्तों। यहाँ पर डीआरडीओ जो है एक डिफेंस की कंपनी, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस के अंतर्गत ये आता है। और दोस्तों यहाँ पर ये एक हर एक आईटीआई करने वाले छात्र का सपना होता है, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने चाहते हैं कि मेरा जो है सिलेक्शन डीआरडीओ में हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर डीआरडीओ की तरफ से दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आई है, जो कि मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक जो है दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप टेलीग्राम में ज्वाइन होंगे तो वहाँ पर आपको 700 प्लस बच्चे मिल जाएंगे जो कि लगातार जुड़ रहे हैं, जो कि आईटीआई का ही एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम में ज़रूर जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको इसकी परीक्षा लेटेस्ट अपडेट, सिलेबस और जितने भी यहाँ पर जो भी रेफरेंस है ना, ए टू जेड आपको मैं वहाँ प्रोवाइड कराता रहूँगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी तैयारी भी कराऊँगा, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आने वाले इस वैकेंसी में, तो मैं आपको सब कुछ वहाँ पर दिलाता रहूँगा। तो आप लोग टेलीग्राम में ज़रूर जुड़ जाना, टेलीग्राम पे क्लिक लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा पहुँचेंगे वहाँ पर, इसको आप जाकर दोस्तों ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको पता है कि सेप्टेम्बर 10 दोस्तों जो वैकेंसी आई थी वो इसी मंथ में आई थी, सेप्टेम्बर के महीने में। आपको सच पता होगा, जिन जिन लोगों ने फॉर्म भरे होंगे या फिर जिन लोगों ने फॉर्म भर के एग्ज़ाम दिया लेकिन उनका नहीं हुआ किसी कारणवश, अभी अभी दोस्तों यहाँ पर कुछ महीने पहले ही, कुछ दिन पहले ही सब कुछ फाइनल हुआ है डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10, और लगभग 7 या 8 महीने हो ही गए दोस्तों, लगभग 1 साल ऑलमोस्ट हो ही गए कंप्लीट दोस्तों। यहाँ पर ये बहुत फास्ट और बिल्कुल प्रक्रिया, ये इस तरह से बाकी वैकेंसी की तरह नहीं है कि यहाँ फॉर्म भर दिए तो लटका कर रखें, जैसे कि UPSL TGT, जैसे UPSL RVNL जो है ना उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से यहाँ पर ये भर्तियाँ लटक रही हैं, 891 TGT की भर्ती लटकी है, उस तरह से यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा इस भर्ती में। प्रक्रिया बिल्कुल कंटिन्यूसली चलती रहती है दोस्तों, यहाँ पर केंद्र सरकार की भर्ती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर जो परीक्षा होती है, इसके बाद लगातार यहाँ पर प्रक्रिया अप टू डेट रहती है, चलती रहती है, इसमें कोई भी ब्रेक नहीं आता है दोस्तों। यहाँ पर ये जो वैकेंसी है इसमें कितने कितने ट्रेड वाले फॉर्म भर सकते हैं ये मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है। कौन कौन से ट्रेड वाले हैं इसमें, इस वैकेंसी में एलिजिबल हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो बने रहिएगा, हम आपको ट्रेड दिखा रहे हैं कौन कौन से ट्रेड वाले भर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आईटीआई के छात्र हैं यहाँ पर जो डिफरेंट ट्रेड में, वो सभी फॉर्म भर सकते हैं अगर यहाँ पर एलिजिबिलिटी मांगी गई है तो। खास तौर से दोस्तों यहाँ पर फीटर वाले, ठीक है, फीटर वाले फॉर्म भरेंगे, इलेक्ट्रीशियन वाले फॉर्म भरेंगे, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर वेल्डर वाले फॉर्म भरेंगे, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर टर्नर वाले फॉर्म भरेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन हो गया, फीटर हो गया, वेल्डर हो गया, टर्नर हो गया, मशीनिस्ट दोस्तों हैं मशीनिस्ट वाले फॉर्म भरेंगे, एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेशन वाले फॉर्म भरेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर उनकी वैकेंसी आई हुई है, अगर रिक्वायरमेंट मांगा है अगर उस ट्रेड में, तो आप ज़रूर फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो आप लोग ऐसी उम्मीद छोड़ दीजिए कि हाँ मैं तो फॉर्म नहीं भर पाऊँगा, तो आपको जो है वैकेंसी के रिक्वायरमेंट जो होगी उसके हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप लोग फॉर्म ज़रूर भर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी आती है ना, इसमें वैकेंसी बात करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है, देखिए क्वालिफिकेशन दोस्तों यहाँ पर आईटीआई मतलब यहाँ पर सेप्टेम्बर 10 जो वैकेंसी आई थी उसमें वैकेंसी के डिफरेंट क्वालिफिकेशन भी मांगा था, जैसे यहाँ पर कलर की भी वैकेंसी उसी में ऐड था, इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग, ये भी सब कुछ वहाँ पर दोस्तों उसमें इंक्लूड था आईटीआई के अलावा, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई थी, इसमें 12th पास ही मांगा था, ये देख लीजिए इस तरह से। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट देखो यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग मांगा था, 12th पास मांगा गया था, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए हिंदी टाइपिंग, स्टोर असिस्टेंट इंग्लिश टाइपिंग, ठीक है, ये प्रीवियस वैकेंसी में आया था सेप्टेम्बर 10 में,
इसका दोस्त यहाँ पर आईटीआई भी मांगा था, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। आईटीआई वाले दिखा रहे, देखिए यहाँ पर व्हीकल ऑपरेटर, व्हीकल गाड़ी को ऑपरेट करने वाला मतलब चलाने वाला, 10th पास मांगा था सिर्फ। इसके बाद दोस्त यहाँ पर फायरमैन मांगा था, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, स्टैंडर्ड पास अंडर 12th सिस्टम मतलब 12वीं मांगा था दोस्त। यहाँ पर ये जो है वैकेंसी अब आती है यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए, यहाँ पर देखिए दिया हुआ, नीचे आप नीचे आएंगे तो आपको आईटी की वैकेंसी मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पर जैसे ऊपर रहेंगे आप तो ऊपर में आपको काफ़ी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी दोस्त। यहाँ पर बहुत लोग पूछते हैं यहाँ पर एज मतलब कि सॉरी सेंटर के बारे में, एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में, परीक्षा कहाँ कहाँ किस किस शहर में होनी है तो सॉरी देखिए दोस्त यहाँ पर परीक्षा जो आपकी होगी आगरा, अहमदाबाद, औरंगाबाद मतलब नीचे दिया गया है, मेन मेन सिटी आप दे सकते हैं, जबलपुर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, लखनऊ यहाँ पर सेंटर दिया गया है, ठीक है। वाराणसी भी दिया गया है और प्रयागराज, इलाहाबाद, तीनों जगह दिया गया सेंटर। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको इलाहाबाद, प्रयागराज, लखनऊ तीनों जगह सेंटर दिया गया है, आप कहीं से भी फॉर्म भर करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। दिल्ली वालों के लिए दिल्ली NCR दिया गया है, गोरखपुर दिया गया है, उत्तर प्रदेश में बहुत सारा सेंटर दिया गया है, ठीक है। भोपाल है, बेंगलुरु है, अहमदाबाद है, औरंगाबाद है, इस तरह से यहाँ पर ऑल ओवर हैदराबाद भी है। तो जितने भी सिटी है ना मेन में वहाँ पर जो है आपको परीक्षा का सेंटर बनाया गया है, ठीक है। तो आप लोग को जो आपकी परीक्षा होगी इसी सेंटर में होगी दोस्तों। यहाँ पर फिज़िकल स्टैंडर्ड को लेकर बहुत सारे छात्र कमेंट्स करते हैं, आखिर यहाँ पर फिज़िकल क्या रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं दोस्तों यहाँ पर फिज़िकल मेजरमेंट में क्या क्या कैसे कैसे करना है आपको। देखिए दोस्तों यहाँ पर फिज़िकल में क्या करना है, देखिए आपको अगर हाइट वेट हाइट विदाउट शूज़ फिज़िकल मेजरमेंट, तो दोस्तों यहाँ पर आपकी हाइट जो है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम मेल के लिए, और चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए फीमेल के लिए। हाइट दोस्तों यहाँ पर 157 सेंटीमीटर और चेस्ट नॉट अवेलेबल एप्लीकेबल, ठीक है। इसको दोस्तों यहाँ पर स्कोप ऑफ द एग्जामिनेशन, परीक्षा का जो एक स्कोप है ना वो कैसे कैसे होना है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे कितने मार्क्स को होंगे, उसके बारे में दोस्तों समझ लीजिए थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पर ये CBT होगा, प्रोविजनल सेक्शन 1, इसके बाद सेकंड होगा स्किल या फिजिकल फिटनेस एंड कैपेबिलिटी टेस्ट वेयर एवर एप्लीकेबल क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग इन नेचर या फिर डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। तो इसके यहाँ पर पहले CBT होगा आपका, जो 40 क्वेश्चन जनरल हिंदी, 40 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश, टोटल दोस्तों यहाँ पर 80 नंबर के होंगे, ठीक है, 80 नंबर का 60 मिनट में। सेकंड होगा दोस्तों यहाँ पर 75 क्वेश्चन क्वांटिटी एप्टीट्यूड रीजनिंग एबिलिटी जनरल अवेयरनेस एंड जनरल इंग्लिश, ये दोस्तों 75 मार्क्स को होंगे 60 मिनट में होंगे, मतलब कि ये 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। इसका दोस्तों यहाँ पर जो भी डिटेल बाकी डिटेल भी है जैसे कि रिजर्वेशन वगैरह, ठीक है, वो भी सब मिलेगा अगर आप कैंडिडेट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कैंडिडेट हैं और ST सर्टिफिकेट बनवा रखे हैं तो आपको यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आपने EWL सर्टिफिकेट बनवा रखा है तो आपको भी रिजर्वेशन मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि आपने बनवाया है कि नहीं बनवाया है, ठीक है। इसको दोस्तों यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, ठीक है, हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है, तो दोस्तों इसके लिए भी यहाँ पर वेबसाइट दिया गया है, आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके आप अप्लाई करेंगे दोस्तों। यहाँ पर ये मैं सेप्टन टेंक दिखा रहा हूँ, बहुत सारे छात्र बोलेंगे सर ये तो आप दिखा रहे हैं, मैं उन छात्रों के लिए दिखा रहा हूँ जो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। ये दोस्तों सेप्टन टेन है, आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर सेप्टन टेन, और ये वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर पिछले साल आई थी। मैं अभी जो नई वैकेंसी आने वाली है अपकमिंग, वो बहुत जल्द दोस्तों यहाँ पर 1 महीने के अंदर आपको वैकेंसी आने वाली है, मैं उसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने कहा था तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। और देखिए जैसे पिछले महीने में देखिए यहाँ पर 7 दिसंबर 2022 को यहाँ पर एलिजिबिलिटी मांगा था, ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 नवंबर को ओपन हुआ था, क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन 7 दिसंबर को क्लोज हुआ था। और परीक्षा दोस्तों यहाँ पर जो है ना टू बी अनाउंस DRDO, परीक्षा जो है इसकी डेट भी अनाउंस उस समय नहीं हुआ था। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों यहाँ पर देखिए DRDO.gov.in,
इस पर आपको विजिट करना है, आप यहाँ से फॉर्म आराम से भर सकेंगे। जो भी दोस्तों आपके आपके दिमाग में जो क्वेश्चन होगा, जो क्वेरी होगा, आप कमेंट करना। एज लिमिट की दोस्तों बात करें तो SC ST कैंडिडेट को यहाँ पर जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, वो पैरा के हिसाब से दिया हुआ है। आप पैरा अगर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम में पूरा ये लिंक सेंड कर दूँगा, ये PDF सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर रेडी रहना।